हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक फाइनेंस से रिलेटेड कीवर्ड लेकर आए हैं। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि फाइनेंस से रिलेटेड कुछ कीवर्ड हमें बताइए अपनी वीडियो में। तो हम पहले सोचे कि इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दें, लेकिन फिर हम सोचे कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो ही बना देते हैं। इससे आप लोगों को कुछ दो तीन कीवर्ड और बता देंगे और साथ में आप लोगों का काम भी हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने कीवर्ड की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा पहला कीवर्ड है HCC शेयर प्राइस। ठीक है, इसको बहुत लोग मतलब इस HCC जो कंपनी है इसको जो है शेयर मार्केट शेयर प्राइस सर्च करते हैं कि इसके इसका जो अभी प्राइस इसका शेयर प्राइस क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें लोग सर्च करते हैं और इसमें आप देख सकते हैं उसका वॉल्यूम 1,98,000 मतलब लगभग 2 लाख के आसपास का इसका सर्च वॉल्यूम है। इसकी CPC भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है, 0.40 की CPC चल रही है। डिफ़िकल्टी थोड़ी सी ज़्यादा है, 7 है, लेकिन इजी है, आप इजीली रैंक कर लेंगे। कुछ समय लगेगा लेकिन आप जब रैंक कर लेंगे तो इस तरह के जो कीवर्ड है ना इसके ऊपर हमेशा सर्च होते रहते हैं, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं ये सब अप डाउन लगे रहते हैं। तो बहुत से लोग इसके ऊपर पैसा लगाते हैं, अपना शेयर मार्केट इसका शेयर प्राइस खरीदते हैं, तो उस वजह से इसका हमेशा मतलब दिन में एक बंदा अगर इसके ऊपर प्राइस लगाया, आपने पैसा इसके इस कंपनी के ऊपर लगाया है, तो इसको दिन में 10 से 15 बार तो खोलता ही खोलता है वेबसाइट को कि हाँ भाई कौन सी मतलब हमारा शेयर प्राइस ऊपर हुआ या नीचे हुआ, ये सारी चीज़ें। तो इसमें इस तरह के कीवर्ड जो है अगर आप काम करते हैं तो इसको हमेशा आपको अपडेट भी करना पड़ता है, हमेशा मतलब पर डे के हिसाब से इस तरह के कीवर्ड को आप अपडेट भी करिए, तभी आपके ऊपर ट्रैफिक आएगा, तभी आप लोगों को बता पाएंगे कि हाँ हमारी वेबसाइट सही है। क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करेंगे और बंदा आया देखा आपकी वेबसाइट में दूसरा शेयर प्राइस और दूसरे की वेबसाइट में शेयर प्राइस दूसरी है, तो इस तरह में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इस तरह के अगर आप हमेशा उसको अपडेट करते रहेंगे पर डे के हिसाब से, मतलब पर डे के हिसाब से भी नहीं, अगर इस तरह की कीवर्ड के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो इसको मतलब घंटे के हिसाब से उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। हालांकि इसका एक कोड वगैरह आता है, उसको आप अपने वेबसाइट में अपने पेज में लगा देंगे तो ऑटोमेटिक ये इसकी शेयर प्राइस उसी के हिसाब से कंपनी के हिसाब से अप डाउन होती रहेगी। उसके ऊपर वीडियो वगैरह पड़ी होंगी यूट्यूब पे, आप उसके ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से उस कोड को वगैरह लगाना पड़ता है। हालांकि एक प्लगइन वगैरह आता है तो उस हिसाब से वो काम हो जाता है। ठीक है, तो इसकी डिफिकल्टी आप देख सकते हैं 7 है, 1,98,000 लोग उसको इंडिया में सर्च कर रहे हैं, बाकी सारी कंट्रियों में ज़्यादातर सर्चेज नहीं है, इंडिया में ज़्यादातर सर्चेज है 2 लाख के आसपास। तो आप इसको हिंदी में आर्टिकल इसके ऊपर लिख सकते हैं, हालांकि आर्टिकल क्या लिखना थोड़ा बहुत इसके बारे में बता सकते हैं, इस कंपनी के बारे में बता सकते हैं क्या है कैसी है, कब इसका ग्राफ ऊपर गया कब इसका ग्राफ नीचे गया, ये सारी चीज़ें इसको बता सकते हैं। इस कंपनी का जो शेयर है इसको आप खरीद सकते हैं या फिर नहीं खरीद सकती, ये सारी चीज़ें आप सजेस्ट कर सकते हैं लोगों को। और अगर आपका आर्टिकल रैंक हो गया तो आपको अच्छा खासा ट्रैफिक आएगा। लाइफ टाइम ये है, लाइफ टाइम का कीवर्ड है। अगर मतलब जैसी कंपनी है तो जब तक ये कंपनी रहेगी, ठीक है, तब तक इस तरह के कीवर्ड के ऊपर आप इजिली रैंक करते रहेंगे और रैंक करेंगे तो आजली आपको इनकम होती रहेगी। ठीक है, और इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे और भी कीवर्ड मिल जाएंगे, इसको अपने आर्टिकल में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके इसी से रिलेटेड आपको और भी यहाँ पे कीवर्ड मिल जाएंगे, इसको भी आप अपने आर्टिकल में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हम दूसरे कीवर्ड की तरफ चलते हैं। हालांकि ये शेयर फाइनेंस से रिलेटेड कीवर्ड नहीं है, अल्टो K10 ये एक कार है, अल्टो आप लोग जानते होंगे, तो ये इसको लोग सर्च करते हैं, इसका रिव्यू करके भी लोग सर्च करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मतलब जो जानकारी वगैरह चाहिए होती है तो लोग अक्सर गूगल वगैरह में सर्च करते हैं कि क्या है कैसी है, मतलब इस वक्त इसकी प्राइस क्या चल रही है, क्योंकि नॉर्मल बहुत ज़्यादा ये बिकने वाली गाड़ी है इसलिए इसको ज़्यादातर लोग सर्च करते हैं। और इसकी डिफ़िकल्टी आप देख सकते हैं 4 है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप इसमें आप काम करेंगे और थोड़ी बहुत बैकलिंक भी अगर आप बना लेते हैं तो इजीली रैंक कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 1,95,000 का ट्रैफिक है इसमें और जो CPC है 0.09 की CPC है, ठीक है। और अगर आपको इसमें से इसमें अगर फर्स्ट पेज पे रैंक कर लेते हैं तो आपको कम से कम 70-80,000 का ट्रैफिक तो आएगा ही आएगा। ठीक, इसी के साथ यहाँ पे जो 2 लाख पूरा ग्लोबल में सर्चेज हो रहे हैं, ज़्यादातर इंडिया में सर्चेज हो रहे हैं, श्रीलंका में थोड़े बहुत सर्चेज हैं, फिर उसके बाद थोड़े बहुत 100, 200, 300, 400, 500 थोड़ा बहुत अलग अलग कंट्रियों में सर्चेज हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आज के ये जो दो कीवर्ड हैं ये इंडिया के ऊपर कीवर्ड है, तो इसके ऊपर आप हिंदी में आर्टिकल लिख सकते हैं, इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप हिंदी में भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको सर्च इंडिया में ही कर रहे हैं तो आप हिंदी में चाहे आर्टिकल लिखें चाहे फिर इंग्लिश में लिखें आपको CPC उतनी ही बराबर मिलने वाली है।
अभी बात करें कीवर्ड आइडियाज की, तो इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे और भी कीवर्ड मिल जाएंगे। इसको आप अपने आर्टिकल में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के कीवर्ड को आप अपने क्यूएनए में या फिर क्वेश्चन में हेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे और भी कीवर्ड हैं, इसको आप अपने आर्टिकल में अलग से इन्वॉल्व कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर आप अलग से आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपका कोई सुझाव हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम हमेशा ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं।